السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته

लाखों करोड़ों सलाम हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्हें अल्लाह ने सारे कायनात के लिए हिदायत बनाकर रहमत बनाकर भेजा और सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाब अतहार पर और तबैन पर और तबा ताबीन पर और क़ियामत तक जो लोग एहसान के रास्ते में चलते हैं उन पर भी अल्लाह की रहमत और करम हो आमीन या रबल आलमीन मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुबहाना हो हमारे इस बैठक को कबूल फरमाए हमारे इस जमा होने को कबूल फरमाए और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जिस तरह हमें इस मुबारक मजलिस में जमा किया है इसी तरह हमें जन्नत और फिरदौस में जमा करें और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुबहना हो ती हमारी रमज़ान की इबादतों को कबूल फ़रमाएँ हमारे रोज़े हमारी नमाज़ें हमारे सदक़ा व खैरत हमारे अखलास और हमारी जस्तजुओं को कबूल फ़रमाएँ और इनके बदले हमें जहन्नम से छुटकारा दिलाएं आमीन या रब्बल आलमीन अज़ीज़ साथियों बुज़ुर्गों माओ बहनों और ख़्वीन इस्लाम हारून रशीद का ज़माना है और हारून रशीद जहाँ एक जबरदस्त खलीफा गुजरे हैं उन्होंने इतनी बड़ी जमीन पर हुकूमत की कि वो अपने ऐवाने से निकलते अपने पैलेस से निकलते और अबर पर नजर डालकर कहते अम तरी अमला तुम तिरी ए नुम तेरी य तीन खराजुक कहते हैं कि कह ए अबर तू बारिश बरसा या ना बरसा लेकिन याद रख लेना तो जहां कहीं भी बारिश बरसाएगी उस जमीन का टैक्स उस जमीन का पैदावार मुझे आने वाला है इशारा ये कि अब बारिश जमीन में तो ही बरसाएगी ना जहां कहीं भी बरसाएगी वहां पर इनकी हुकूमत है उतनी बड़ी सल्तनत है इसकी तरफ इशारा है तो रशीद ने जहां बहुत सारे अच्छे काम किए उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें वो ये करना चाहते थे कि मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ना चाहते थे आज आप मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि खुदरती ये इंतज़ाम है कि एक तरफ सऊदी अरेबिया यमन है तो दूसरे तरफ इजिप्ट सूडान एरिटेरिया और अबीसिनिया जैसे मुल्क पड़ते हैं इन दोनों के दरमियान एक छोटी सी चीरी निकल गई है समंदर की जिसे रेड सी कहा जाता है गोया अल्ला के अल्लाह की तरफ से इंतजाम और हिफाजत था कि यहां पर कोई भी इन मुमलकतों के अलावा इन समंदरों में दाखिल ना हो सके इसलिए एक तरफ से ये डेड एंड है ये डेड एंड मिस्र और सैना के सहराओं ने बनाया है अबी मिस्र और सहरा के उस पार मेडिटेरियन सी है जिसे बहर अल मुतवसित कहते हैं ये दो समंदरों में कोई जोड़ नहीं अगर इन दो समंदरों को जोड़ दिया जाए तो ऐसी तिजारत हो सकती है ऐसे लोग फ़ायदे कमा सकते हैं कि सब मालदार माल ही माल होगा तो ये सोचकर हारून रशीद रहमतुल्लाह आल ने इन दो समंदरों को जोड़ने की कोशिश की जब ये जोड़ने के लिए प्रोग्राम बना रहे थे तो यहाँ पर अब इन्हें करना ये है कि ये जो सहरा है इस सहरे, इस सहरा में खुदाई का काम करना है जो कि लगभग सौ डेढ़ सौ किलोमीटर से ज्यादा है अगर इसमें खुदाई का काम करेंगे तो दोनों पहाड़ियों को जोड़ दिया जा सकता है अब कश्तियां आ जा सकती हैं बड़ी आसानी से अब यहां पर एक गेटवे बना दिया जाए तो सल्तनत अब्बासिया के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा जो भी कश्ती यहां से गुजरना चाहती उससे ये चार्जेस फीस ले सकते हैं जिससे मुल्क में काफी तरक्की हो सकती है तो ये सोचकर हारून रशीद रहा आल ने यहां पर यह प्रोजेक्ट का आगाज किया जैसे ही यह प्रोजेक्ट का आगाज इसका ऐलान इन्होंने किया वहां पर इन्हें इनके इंटेलिजेंस के जरिए से ये खबर मिलती है कि आप ये काम हरगिज ना करें के वहां पर एक छोटा सा कैनाल है जिसे कैनाल कहते हैं लेकिन यह काफी नहीं कि आप पूरे मेडिटेरियन से जा मिले इसलिए हारून रशीद इसे बड़ा करना चाहते थे तो हारून रशीद को इंटेलिजेंस के जरिए से खबर मिली कि यहां पर आपको यह काम हरगिज़ नहीं करना है अगर आप यह काम करेंगे तो ईसाई जो कई सालों से कई धाइयों से ये इंतजार में बैठे हैं कि उनके लिए रास्ता खुल जाए और वो अपना सबसे बदतरीन प्लान हासिल करने में कामयाब हो जाए तो हारून रशीद को जब उनका प्रोग्राम बताया गया और उनके पुराने मकासिद बताए गए तो हारून रशीद रहमत आल ने फौरन इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया और आज तक ये ऐसी हालत में किसी खलीफा किसी बादशाह ने इन दो समंदरों को जोड़ने की कोशिश नहीं की उन्हें ये कुदरती जो सेटअप है कुदरती तौर पर अल्लाह ने यहां पर एक एक रुकावट बनाई है इसकी अहमियत उन्हें समझ में आ गई वो क्या प्लान था ईसाई और ये सलीबी ताकतें हमेशा से इस प्लान को एग्जीक्यूट करने हमेशा बेताब हुआ करते थे आखिर वो क्या प्लान है आखिर वो क्या साजिश है अजीज साथियों ये जो सलीबी ताकतें हैं इन्हें सबसे ज्यादा बग्ज सबसे ज्यादा हसद सबसे ज्यादा अगर कोई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से है अब ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं यहूद नसारा जिन्हें अहले किताब कहा जाता है ये अल्लाह की किताबों पर ईमान रखते हैं ये अनबिया रसुल का आना जाना इस पर इनका ईमान है कोई इनकार नहीं इसीलिए हमी उनका ज़बिया खाने की इजाजत है क्योंकि वो वो अल्लाह की किताब मलायम क्या हिसाब किताब गुनाह अच्छाई इन कॉन्सेप्ट को मानते हैं वो आपके बहुत करीब हैं बनस्बत उन, अकायद, उन आदात और के अकायद दूसरे अकवाम में हमको देखने को मिलता है तो ये जो ईसाई हैं, इन्हें अल्लाह की जात अल्लाह पर ईमान इससे कोई एतराज नहीं इन्हें हमेशा से क्यों मोहम्मद ही क्यों क्यों मोहम्मद पर ईमान लाना जरूरी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दूसरे अनबिया पर ईमान लाए हैं क्यों मोहम्मद अलैहि वसल्लम की शख्सियत की इतनी अहमियत क्यों इन्हें आखिर जबान नबी बनाया गया क्यों ये आखिर रसूल है क्यों इन्हें अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब दी ये अपनी किताबों में पेशन गोया सुनते हैं उनका मजदाक आप सल्ला की शख्सियत के अंदर वो पाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हमेशा इन्हें हसद कीना ना इन चीज़ों में डाले हुआ है इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई बग्ज़ करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देने की कोशिश करते हैं और जब मदीने का ज़माना आया आपने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई एक कातिलाना हमले हुए जिसकी तफसील इंशाल्लाह आपके सामने आने वाली है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत इन्हें हमेशा तशवीशनाक नजर आती है हमेशा परेशान करने वाली जात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, इसीलिए इन्हें खत्म करने इन्हें 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 इनके दीन को ख़त्म करने इनके पैरों को ख़त्म करने की हमेशा इन लोगों ने कोशिश की तो ये जो सलीबी ताकतें ये जो यूरोपियन ईसाई ताकतें थी इन्हें हमेशा से ये चीज परेशान कर रही थी कि मुसलमान आखिर इस हस्ती के पीछे इतने दीवानावार मोहब्बत क्यों करते हैं इस हद हाँ तक इनकी जिंदगी क्यों महफूज रखे हुए हैं तो इन्हें अजियत पहुंचाना है ये इन्होंने टारगेट बना लिया अब चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए तो आप वसल्लम का जसद अतःर आप वसल्लम का जिस्म मुबारक जो मदीना में मदफून है इसके पीछे ये पड़ गए तो हारून रशीद को इंटेलिजेंस के जरिए से रहमत ये खबर पहुंचाई गई कि सलीबी ताकतें इस तालुक से भरपूर तैयारी कर चुकी हैं कि उन्हें इस रेटसी में आने का मौका मिले बहरे अहमर में आने का मौका मिले जहां से जिद्दा और जहां से यम्बो के बंदरगाहों पर उतरने का मौका मिले और आप वसल्लम के जसद अतहर को चुराने का मौका मिले और आप की जिस्म को लेकर जाएं वो अपने पास रखें और उसके जरिए से तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने कंट्रोल में लाए सबको अपनी बात चलाएं सब पर ये इनका बदतरीन प्रोग्राम बदतरीन साजिश थी जिसकी खबर हारून को रहमत इंटेलिजेंस के जरिए से बताई गई तो उन्होंने जो तारीखी प्रोजेक्ट बनाया था मेडिटेरियन सी और बहर अहमर को जोड़ने का इस प्रोजेक्ट से इन्होंने हाथ धोया और उसके बाद जितने भी खुलाफा जितने भी बादशाह आए सबको यह बात मालूम है कि यहां की सलीबी ताकतें इसके पीछे पड़ी हुई हैं। तो आज साथियों, हम साजिशों की तफसील सुनने वाले हैं ये जो वास्कोड़ा गामा जिसके ताल्लुक से हम अपने सिलेबस में बड़ी तारीफ पढ़ते हैं कि ये साहेब हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का रूट फाइंड आउट किया ये हिंदुस्तान में आए और इनके आने की वजह से यूरोपियंस का आना हिंदुस्तान में आसान हो गया ये पहले आदमी हैं जिन्होंने रूट फाइंड आउट किया ये जितने भी बकवास हम हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं मैं तो बकवासी कहूंगा क्योंकि हकायक कुछ और हैं रियलिटीज कुछ और है ये मुजरिम और ये जालिम का हिंदुस्तान में आना इसका प्रोग्राम ही कुछ और था तो ये जो वास्कोड़ा गामा इसने जो रूट फाइंड आउट किया ये असल में पोर्चिकल कंट्रीज का इसका ताल्लुक था पोर्चिकल एक कंट्री है जो स्पेन के अंदर है एक मुस्तकिल कंट्री है जिसका कैपिटल लिस्बन है। ये वहां का रहने वाला था और वहां पर एक ममलकत एक किंगडम बनी गई थी 18 पंद्रह सौ ईस्वी के आखिर में यह ममलकत जब बनी शुरू में इनका इनके झगड़े होते थे स्पैनिश जो कंट्री थी उससे स्पेन से लेकिन बाद में इन लोगों ने इतफाक किया तो अचानक यूरोपियन के दरमियान ये पोर्चुगीज निकल आए जितने भी यूरोपियंस हैं ये सारे जितने भी दुनिया है सब जगह पहुंचे जहां कहीं भी गए सब होने फितने की कोई इसे बाकी नहीं ये पूरे लुटेरे थे ये यूरोप से निकले थे इनका काम ही यही था कि सारी दुनिया को लूटो और प्रोफेशनल तौर पर लूटो अब एक बहुत बड़ा लुटेरा जिसका नाम ब्रिटिश है वो हिंदुस्तान में रहा डेढ़ साल उसने खूब लूटा 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 इतना लूटा के सब कुछ लेकर चला गया तो ये जो लुटेरे निकलते हैं ये जमीन को लूटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में ना कि सिर्फ ब्रिटिश आए हिंदुस्तान में फ्रेंच ताकतें आई डच ताकतें आई हिंदुस्तान में पोर्चुगीज आए ये जितने भी साहिली इलाके हैं सब जगह गए और सब इलाकों को लूटा लेकिन ये जितने भी दरिंदे हैं इनमें सबसे बदतरीन दरिंदा ये पुर्तगालीज हैं ये बाकायदा खून खराबा करने के लिए आते थे ये इनके पास मुआहदा बैठकर बातचीत करना ट्रीटी करना ये इस ताल्लुक से कुछ समझते नहीं थे ये जैसे ही साहिल में उतरे बम्बारी की जितने भी लोग मिले सबको मारा सबको लूटा माल लूट के निकल जाना ये इनका प्रोग्राम था ये जहां इतने खतरनाक लुटेरे थे वहां इनके दिल में इस्लाम और नबी इस्लाम के ताल्लुक से इतना बोझ था इतना कीना और इतना कपट था कि इसलिए इन लोगों ने सब कुछ खर्च किया तो पोर्चुग ये जो पोर्चुगल कंट्री से ये लोग निकले इनका भरपूर प्रोग्राम यही था कि जमीन में लूटे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीर अकदस को चुराए ये जो रूट बनाया गया इसके पीछे यही मकसद है कि यहां से कैसे लूट कर लेकर जाएं और कैसे इसे पोर्चिगल पहुंचाएं और वहां से कैसे सारे आलमी इस्लामी को कंट्रोल करें ये इनका पूरा प्रोग्राम था इसके पीछे पूरा यूरोप था जो पोर्चिगल को ये प्रोजेक्ट देकर इसके पीछे बैकअप कर रहा था तो इसी के चलते वासकोड़ गामा निकल आया और इसने ऐसी तारीखी जराय किए कि इसकी तफसील में आपके सामने बताए बगैर रह नहीं सकता ताकि आपको हकीकत मालूम हो और हमारी तारीख मालूम हो तो उसी साथियों ये वास्कोड़ा गामा ये पोर्चीज ये सलीबी ताकतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीर अकदस जैसे अकदस अतहर को चुराने की इन्होंने पुरानी साजिश बनाए रखी थी तो आप इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम अब तारीख के थोड़े डीप वादियों में जाने वाले हैं हम शुरू से आएंगे कि इन्होंने नबी वसल्लम जब जिंदा थे तो उन पर कैसे कातिलाना हमले किए वो कैसे कैसे हमले थे ये तफासिल देखने के साथ साथ हम देखेंगे कि आप सल्लम दुनिया छोड़कर जाने के बाद आप अलैहि वसल्लम के शरीर को छुराने और आप अलैहि वसल्लम के साथ बदसलूकी करने की जो कोशिशें थी वो पांच मरतबा हुई और पांच मरतबा बड़े भयानक रूप पर हुई और इन इन कोशिशों को कैसे इस्लामी ममलकतों ने मुसलमान उल, ने रोका और क्या क्या स्ट्रेटजीज बनाए और आप का काजरे मुबारक कैसे है और आप का कबर कहां रखा हुआ है और आप के उमर और उबकर उनके कबर कैसे हैं आपके मुबारक का क्या सेटअप है आपको पूरी तफसील मैं तफसी पेश करने की कोशिश करूंगा चूंकि आप देखते हैं कि मौजू तवील है कोशिश करेंगे कि आज के मजलिस में इसे समेटे अगर ना कर पाए तो हम कल की मजलिस के लिए भी इस मौजू को आगे बढ़ा सकते हैं इनशाला चलिए अब देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे कातिलाना हमले किए गए मैंने खुतबे मसनोना के बाद कुरान करीम की एक आयत की तिलावत की चलिए उसी आयत से अपनी बात का आगाज करते हैं अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युह अर-रसूल बलग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इलम तफअल फमा बलगत रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनननास ए अल्लाह के रसूल आप जो भी हमने आपके तरफ वही की इसे आप डंके की चोट में अल ऐलान बगैर किसी रुकावट के आप लोगों के दरमियान बयान करते जाइए अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया जब आप सल्लम डंके की चोट में इस्लाम का ऐलान करेंगे तो होगा क्या लोग थोड़ी फूल भिजाकर इस्तेकबाल करेंगे लोग मुखालफत करेंगे दुश्मन निकल आएंगे आपको रोकने की कोशिश करेंगे आपको कतल करने की कोशिश करेंगे उसके तरफ इशारा है तो अल्लाह ने कहा वाहिम का मिनन्नास। ये अल्लाह की जिम्मेदारी है कि अल्लाह आपकी भरपूर हिफाजत आपकी भर, भरपूर हिरासत करने वाला है ये अल्लाह की जिम्मेदारी है और अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं देता इस आयत करीमा के अंदर अजीज साथियों अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत अपने जिम्मे ले ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में करते ये थे कि जब मुशरिकीन अपनी शरारतों में उमंड आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई मरतबा उन्होंने हमले किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर के पास किसी ना किसी सहाबी को या फिर सहाबा को पहरे के लिए बिठाते थे हिफाजत के लिए हिरासत के लिए बिठाते थे अब जैसे इस आयत नाजिल हुई आयत नाजिल हुई आपने आप मुबारक से बाहर आते हैं अल्लाह ने जिम्मे ले लिया सलम पर यह दुश्मनान हमला करेंगे और आपकी हिफाजत की, की जिम्मेदारी अल्लाह लेता है और ये जो अल्लाह ने जिम्मेदारी ली ये पूरी तारीख इस्लामी इस पर गवाह है कि अल्लाह ने एक हजार साल के अंदर कैसे कैसे हमले हुए जब आप जिंदा थे और जब आप इस दुनिया से रुखसत हो गए थे इन दोनों हालतों में कैसी कैसी हिफाजत हुई अल्लाह अकबर ये अल्लाह ने जब जिम्मेदारी ली तो अल्लाह ने भरपूर कर कर दिखाया तो चलिए चंद वाकयात मैं आपके सामने रखता हूं जिसमें मुशरकिन ने और यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातिलाना हमला किया अल्लाह ने आपको बचा लिया इस सिलसिले में सबसे पहला वाकया जो मर्रखीन बयान करते हैं वो वाकया है इराशी नामी एक साहब का इराशी नामी एक साहब थे मक्के के दौर का जमाना है ये अबू जहल से कुछ पैसे बतौर कर्ज ले चुके थे तिजारत के सिलसिले में तो अबू जहल साहब ने इन्हें टोपी दिया वो साहब नजर नहीं आ रहे थे इनकी तलाश में ईराशी उधर उधर भागते हैं नजर नहीं आ रहे थे साहब तो एक मरतबा हुआ है कि इराशी काबे में दाखिल हुआ और देखा कि कुरैश के, के सरदार बैठे हुए हैं उनके पास चले जाता है और जाकर कहता है कि ये अबू जहल उस वक्त उनका नाम साहब का नाम अबू अल हकम अमर था अबू अबुल हकम कहां है ये जालिम कहां है तो लोगों ने देखा कि ये पैसे मांगने आया है ये सरदारों को शरारत की सूची और यह आदमी हट्टाखट्टा आदमी है और यह आदमी अगर अबू जहल ने पैसे देने से इनकार किया हो सकता है कत्ल कर डाले इसके पास तलवार वगैरह है तो इन लोगों ने चाहा कि ये गुस्सा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिखाएं तो वो सबों ने सबके कहा कि देखो ये एक साहब जो उधर बैठे हुए हैं काबे से अपना पीठ लगाए हुए आप उनके पास चले जाए वो जानते हैं कि अबुल जहल कहां है तो यह राशि के पास आता है आकर कहता है कि तुम जानते हो अबुल हकम कहां है चलो मुझे उसके पास लेकर चलो मेरे पैसे आने हैं उसने पैसे लिए वापस पैसे नहीं किए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से उसके साथ उठते हैं और जाते हैं सीधे अबुल हकम यानी अबू जहल के घर जाते हैं और दस्तक करते हैं और अंदर से अबू जहल दरवाजा खोलता है तो देखता है कि इस इनका जो जो दुश्मन है इनकी नजर में मोहम्मद बनफ सामने खड़े हुए हैं तो अबू जहल इतना मरूब होता है इतना रोब उसके अंदर आता है थोड़ी देर के लिए छोटे बच्चे की तरह हो जाता है नबी आसम कहते हैं कि अबू हकम ये साहब का पैसा वापस करो ये साहब शिकायत कर रहे हैं हरम के अंदर आकर तो अबू जहल से कुछ बन नहीं पड़ा वो तो थर्राया गया थोड़ी देर देर के लिए उसे धचका लग गया वो घर के अंदर गया पैसे लाता है और ये साहब को वापस करता है और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये साहब को लेके वहां से निकल जाते हैं और सरदारा ने कुरैश जब उन्होंने ये सुना कि अबू जहल ने पैसे वापस कर दिए वो भी मोहम्मद के कहने पर तो उन्हें ठट्टा मजाक सोची वो अबू जहल का मजाक करने लगे तो अबू जहल ने कहा कि खामोश रहो आपको नहीं मालूम कि हुआ क्या है जब उन्होंने दरवाजा मारा तो मैंने दरवाजा खोला तो मैं ये देख रहा हूं कि ये साहब के पीछे एक ऐसा ऊंट है जो अपना जबड़ा खोला हुआ खड़ा हुआ है अगर मैं नहीं कहूं तो ये कोट मुझे काट लेगा मुझे कतल कर देगा तो मैं इसे देखकर घबरा गया अब मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं तो ये पहली कोशिश थी मुशर की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातिलाना हमला करने के लिए ये राशि को भेजा था इसलिए कि वो कर दे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इससे इनका मकसद पूरा हो जाए ये एक कोशिश थी जो मक्के के शुरू के दौर में हुई थी अब चलिए दूसरी कोशिश देखिए दूसरी कोशिश ये तो पूरे सरदारा ने क्रैश मिलकर प्रोग्राम बनाया था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज असहाब मदीना हिजरत कर कर चले गए और बाज मक्के में है और कई मुसलमान होते जा रहे हैं अब इस्लाम मक्के के वादियों से निकल कर मदीना के लहलहाती खेतों पर मुंतकिल हो गया तो जब इन लोगों ने सोचा कि मोहम्मद का दिन अब इसके अंदर तरक्की हो रही है ये फैल रहा है तो इन्हें हसद से रहा नहीं गया तो इन लोगों ने वसल्लम के आखिरी अय्या मक्के में उस जमाने में ये सब जमा हुए दार्नदुआ में दारन्नदुआ एक ऐसा क्लब है जहां पर सरदाराने कुरैश जमा होते हैं अगर मक्के पर कोई मुसीबत आम पड़ी तो तो उस मुसीबत को दूर करने के लिए इस क्लब में बैठकर डिस्कस करते हैं तो जब क्लब में सब जमा हो गए बड़े बड़े सरदार जितने भी थे साफ सरदार जमा हो गए और सब मिलके अब प्लान बना रहे हैं कि कैसे मोहम्मद वसल्लम और उनके इस नए दीन से छुटकारा हासिल करें और हरगिज नहीं चाहते कि यह दीन मदीना मुंतकिल हो जाए और वहां पर यह दिन पलना फुलना और तरक्की करना शुरू कर ले यह चीज इन्हें हजम नहीं होती तो बैठ कर गुफ्तगु कर रहे थे तो इतने में एक बूढ़ा आता है लोग पूछते हैं कि तुम कौन आदमी हो हम तो पहले देख रहे हैं आपको तो उस बूढ़े ने कहा कि से आया हूं तो वहां से यह साहब का नाम पड़ गया अ शेख नजदी और बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि यह असल में इबलीस था जो शेख नजदी के लिबास में उस नदवे में पहुंच गया अब यह दाखिल हुआ अब जैसे ही दाखिल हुआ इसकी बुजुर्गी की वजह से सबों ने इसकी बात सुनना शुरू कर दी अब सबसे ये राय पूछने लगा कि कैसे नबी सल्लम से यानी मोहम्मद से छुटकारा हासिल करे एक ने कहा कि हम मोहम्मद को पकड़ेंगे और उनके असहाब को पकड़ेंगे सबों को कमरों में डालकर बंद कर देंगे यहां तक कि वो बाहर ना निकले और इनकी खबर किसी को ना पहुंचे तो शेख नजदी ने जब इस मशुरे को सुना तो कहा कि कितना बदतरीन मशवरा है अगर हम अंदर बंद करेंगे तो इनके लिए पीछे से कहीं दरवाजा खुल जाएगा अब ये बड़ी आसानी से बाहर निकल आएंगे ये मशवरा ठीक नहीं है दूसरा उठता है मुशरिक वो कहता है कि हम ये काम करेंगे कि मोहम्मद को और उसके अजहाब को मक्के से निकाल देंगे दूर कहीं दूर भेज देंगे अब जब दूर चले जाएंगे तो मक्के के जो अहम लोग हैं सारा अरब मक्के को आता है तो उनका उनकी खबर इन लोगों के कानों में नहीं पड़ेगी तो शेख नजी ने कहा कि बिल्कुल फालतू सजेशन है हम ये नहीं चाहते कि साहब बाहर जाए तुम कहते हो कि बाहर भेजो थोड़ी रखते हो डांटता है उसके बाद अबू जहल उठ के कहता है कि मेरी बात सुनो जचे तुले जुमले हैं और ये है कि हम जितने भी कबाइल हैं हमारे नौजवानों को लाएंगे सबके हाथों में नंगी तलवारें देंगे और सबसे कहेंगे कि बैक वक्त एक ही साथ मोहम्मद पर टूट पड़े अलैहि वसल्लम सब मिलके उन्हें कत्ल कर दे जब ये पूरा ग्रुप मिलके कत्ल करेगा तो बनु हाशिम को अब ये पूछ नहीं सकते कि कौन कौन ने कत्ल किया कौन कौन किस किस कबीले से ताल्लुक है अब तो हमारे पास हर कबीले का आदमी है अब बनु हाशिम की ताकत नहीं होगी कि सब कबायल से लड़ें। शुरू में गुस्सा करेंगे बाद में ठंडा हो जाएंगे ये मेरी राय है तो शेख नजी ने कहा कि तुमने सबसे सही बात बताई तुम्हारा मशुरा सबसे जबरदस्त मशुरा यानी सीधे सीधे नबी सल्लम को कत्ल करने की बात तुम्हारी राय सबसे सही राय है मैं इस पर मेरा मोहर लगाता हूं तो सबों ने इतफाक किया कि नबी सल्लाम को सब मिलके कत्ल करेंगे नवूदबिल्ला तो वक्त मकरर पर रात के मौके पर ये पूरा जमाड़ा आप सल्ला वसलम के घर के सामने जमा हो जाता है बाद रिवायतों में आता है कि अट्ठारह नौजवान थे अट्ठारह बड़े कबा से उनका ताल्लुक था बाजों ने बीस कहा बाजों ने पच्चीस कहा बहरहाल मक्का में जितने भी बड़े बड़े सरदार थे बड़े बड़े कबाइल थे सब कबीले से एक नौजवान वहां पर उतार दिया गया अब सब जमा हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आते हैं और आकर ये खबर सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम हुआ है इबलीस ने ऐसे ऐसे वसवसे डाले हैं। तो तुम अपनी जगह मत सो कहीं दूसरी जगह सो जाना आज रात तो आप अली बिन तालिब को बुलाते हैं, बुला हैं, है, हैं नींद आई है, उसके बाद कभी नहीं गारंटी ली कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा तुम आराम से यहीं सोते रहना और वसल्लम जब कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा अब उसके बाद क्या जरूरत है कौन सी चीज की परेशानी तो अली बिन तालिब आराम से के कमरे में लेट जाते हैं उन्हें मालूम है कि दरवाजे के उस पार पूरा जमावड़ा खड़ा हुआ है सबके हाथों में नंगी तलवारें हैं।, हैं जब खड़े थे तो आप वसल्लम दरवाजा खोलते हैं, से चल कर गुजरते हैं। मिट्टी उठाकर फेंकते हैं सबों के सरों में एक कंकरियां गिरती है और सूरह यासीन की आयत पढ़ते हुए इन लोगों के दरमियान से निकल जाते हैं वो जो व हुम ला सदमून अल्लाह मुशर और मुमिन के दरमियान पर्दा हायल कर देता है यहां तक कि वो देखती नहीं ये सूर्य यान की आयत पढ़ते हुए घर से निकल जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इंतजार इंतजार करते करते रहते हैं। करते रहते हैं हैं तक कि सुबह हो जाती है लोग आकर कहते हैं कि किसके इंतजार में हो कहते हैं कि मोहम्मद के इंतजार में वो तो कब का निकल चुके हैं हमने उन्हें उधर देखा है और बेकरार होके के हजरे में दाखिल होते हैं वहां पर पर्दा हटाते हैं तो अली रजी अल्लाह सो रहे हैं बड़े आराम से कहते हैं उठो पूछते हैं मोहम्मद कहाँ है के हैं, वो तो चले गए वो तो चले गए कब का चले गए आप लोग किसके इंतजार में हो, तो कब का चले गए तो इस तरीके से साथियों इनका ये पूरा प्रोग्राम पामाल हो जाता है उसके बाद बाद आप सल्लम चंद दिनों के मदीना हिजरत करके चले जाते हैं आप सल्लम की इस अंदाज से अल्लाह ने हिफाजत की उसके बाद जब मदीने का सफर शुरू हुआ तो मालूम हुआ कि आप सल्लम आपने गार जिनका नाम अबू बकर सिद्दीक था उनके साथ मदीने की तरफ रवाना हुए हैं तो पूरे मक्के में यह ऐलान कर दिया गया कि सौ सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे अगर किसी ने मोहम्मद को जिंदा या मुर्दा हाजिर किया सल्लल्लाहु अलैहि सल्ह सौ ऊंट बहुत ही बहुत ही महंगा प्राइस है बहुत ही महंगी चीज है जो अरबों के लिए बहुत बड़ी चीज हुआ करती है सौ सुर्ख ऊंट तो सबों ने तलाश किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि अपना प्रोग्राम बनाया हुआ था कि वो गारे सौर में जाएंगे जो बिल्कुल उल्टे रास्ते में पड़ता है अब वहां से ये अपना सफर का आगाज करेंगे और सफर का रास्ता दिखाने के लिए अब्दुल्ला बिन उत नामी एक मुशरक का सहारा लिया गया जो रास्तों का कीड़ा था उसने ऐसे रास्ते से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक को मदीना पहुंचाया कि मुशरकिन को समझ में नहीं आया गांवों के अंदर से और बिल्कुल समंदर के किनारे से ये पहुंचा देता है मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गारे सौर में आपसान पहुंचते हैं और ये पूरे गार तक पहुंच जाते हैं यहां तक के अगर नबी सल्लम और उठाकर देखते हैं तो उनके पैर नजर आ रहे हैं और कहते हैं। यार अगर ये नीचे देख लें, तो हमको बड़ी आसानी से देख सकते हैं तो नबीम इतमिन से कहते हैं एवबकर, वो दो आदमियों को क्या कहना जिसका तीसरा अल्लाह है जिसका तीसरा अल्लाह है इन मायना जब दोनों का दूसरा दूसरे से कहने लगा कि अल्लाह हमारे साथ है फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं तो गार के बिल्कुल करीब आ जाते लेकिन इनके आंखों में पर्दा पड़ पर जाता है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ नहीं पाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच जाते हैं ये इनके तरफ से तीसरी कोशिश थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने की जब आप सलाम ये तारीखी सिलसिला ये तारीखी रास्ता शुरू करते हैं मदीना जाने के लिए रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सुराका बिन मालिक अल से होता है सुराका बिन मालिक अल मुदलिजी बनु मुदलज के ये उसी रास्ते के कबीले एक गांव के कबीले के सरदार थे ये अपने लोगों के साथ बैठे हुए थे एक आदमी आकर कहता है रात के मौके पर कि मैंने दो आदमी को समंदर के किनारे जाते हुए देखा तो सुराका बिन मालिक उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे ये कहते हैं कि मेरे दिल में बात आई कि ये हो ना हो ये दो ही लोग हैं जिन्हें कुरैश ढूंढ रहे हैं तो कहते हैं कि मैं खामोशी से बैठा रहा जब लोग उठकर चले गए तो मैं बड़ी तेजी से मेरे घोड़े की तरफ दौड़ा और घोड़े में मैं अपना तलवार रखा और बड़ी तेजी से घोड़े को मैंने सरपट दौड़ाया उसी रास्ते की तरफ जहां ये दो लोग जा रहे थे और उसके बाद रिवायतों में आता है कि सुराखा बिन मालिक इतने करीब हो गए कि वो अबू और नबी सल्लल्लाहु वसल्लम को दूर से देखने लगे और अबू नबी सल्लल्लाहु वसल्लम की रास्ते में भरपूर हिफाजत कर रहे थे आप सल्लल्लाहु वसल्लम आगे चल रहे हैं तो कभी सामने चल रहे हैं। इस तरीके से आपके घूम कर आया करते थे तो पलट कर देखते हैं तो दूर से एक साहब बड़ी तेजी से इनके तरफ आते हुए नजर आ तो अबकर सिद्दीक ने नबी वसलम से कहा यार रसोल्ला एक साहब हमारे तरफ बड़ी तेजी से आ रहे हैं तो नबी वसलम ने कहा कि कोई मसला नहीं उन्हें आने दो और ये साहब इतने करीब आ जाते हैं फिर अबू अब्दीक रही कहते हैं कि यार रसोल्ला ये साहब बहुत ही करीब आ गए अगर वो तीर चलाए तो तीर हम पर गिर सकती है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट कर देखते हैं तो सामने से सुराका बिन मालिक नजर आते हैं वो करीब आए तो उनका घोड़ा धाम से गिर जाता है और ये घोड़े के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं अब जैसे ये साहब गिरते हैं अब इन्हें मालूम हो गया कि यहां पर कोई इंसानी चीज नहीं हो रही है यहां पर बहुत सारी चीजें कुदरती हो रही हैं बहुत सारी चीजें कुदरती हो रही हैं इनका दिल डर में मुबतला हो जाता है खौफ ज्यादा हो जाते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुराका बिन मालिक को देखकर कहते हैं कि सुराका तुम्हारा उस वक्त क्या मामला होगा जब तुम्हारे हाथों में कैसर और किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे

और ये पेशों गोई उमर बिन खत्ताब रजी के जमाने में भरपूर होती है जब कैसर और किसरा के एवान फतह किए गए ढेर सारी दौलत माल जब लाकर कं... सहन में डाला गया तो उमर बिन खत्ताब ने सराखा बिन मालिक को बुलाया बुला उनके हाथों में कंगन पिनाए कहा कि ये नबी साम की पेशों गोई जो पूरी हो गई तो इनकी तरफ से यह चौथी कोशिश थी जो आप सल्लाम पर हमला करके उन्हें खत्म करने की और पांचवी कोशिश अजीसाथियों मदीना जाने के बाद यहूदी कबीले ने किया यहूदी कबीला हम जानते हैं मदीने में तीन यहूदी कबाइल थे एक थे बनु नजीर दूसरे बनु किनका और तीसरे बनु कै इन तीनों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से निकाल दिया और बनु क्रैवा के साथ बदतरीन मामला किया गया उनकी गद्दारी की वजह से तो इन तीनों यहूदी कबाइल से शुरू में मुआहदे थे मिल रहने की बातचीत थी इन लोगों ने एतराफ़ किया ये सिर्फ मुसलमानों ने भी एतराफ किया मिलकर मदीने में रहते थे लेकिन ये चूंकि यहूदी थे ये फितना परस्त कौम थी नाफरमान कौम थी वो खामोश थोड़ी रह सकती है इन्होंने फितनों को शुरू किया इसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर कार्रवाई की इन पर चढ़ाई की इनमें से जितने भी कबाइल थे सब सबको मार भगाया और बनू करदा के जितने भी मर्द थे सबको कत्ल कर दिया गया ये तफसीली वाकयात हैं यहां पर एक मरतबा होता यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बास अब गलती से एक लड़ाई में कर दिए जाते हैं खुद मुसलमान बस मुसलमानों को एक लड़ाई में कतल कर देते हैं अब उस जमाने का उसूल ये था कि अगर कत्ल हो जाए तो उस कतल के बदले दियत दी जाए एक रैंसम पैसा दिया जाता है मकतुल के खानदान वालों को अगर कातिल फाइंड आउट नहीं किया जाए या फिर कातिल गलती से कतल कर दिया है तो जो स्टेट का जो बड़ा होता है वो अपने तरफ से पैसे अदा करेगा का जो बड़ा होता है वो इस मकतूल को जिसे कत्ल किया गया उसके खानदान वालों को एक एक अमाउंट करेगा। उस जमाने में एक दियत सौ ऊंट का होता था तो एक ऊंट का जो दियत है, इसे अदा करना पड़ता है तो ये जो सहाबा कत्ल कर दिए गए थे इनका ताल्लुक बन बनो नजीर के और ये कबीले से मुआहदे थे तो इसलिए आप वसल्लम बनो नजीर के इलाकों में जाते हैं और जाकर उनके सरदारों से कहते हैं कि मामला ऐसा ऐसा है तो इस लिहाज से आपको इस दियत में अपना शेयर देना पड़ेगा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा वो लोग कहते हैं कि हाँ हम क्यों नहीं कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे तो नबी नबीम के साथ जो असहाब थे उन्हें एक जगह बिठाते हैं और कहते हैं कि हम अंदर जाके गुफ्तगु करके कितना हम पैसा दे सकते हैं हम आपको आकर बताएंगे तो ये अंदर जाते हैं जाके पैसों के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगु नहीं करते अंदर जाके आपस में कहते हैं कि यह सबसे सुनहरा मौका है ये साहब को कत्ल करने का मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इससे सुनहरा मौका क्या है ये देखो बगैर रश करके आए हैं ना इनके पास हथियार है बिल्कुल खाली हाथ आए हैं निहत्ते हैं अब इन्हें हम कत्ल कर देंगे तो हमारी पूरी परेशानियों का हल निकल आएगा तो उल्टा ये जालिम जो मुआहदा हुआ था आपस में मदद करने का आपस में मिलकर रहने का उस मुआहदे की मुखालफत करते हैं ना कि सिर्फ मुखालफत बल्कि नबी वम को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाते हैं अब प्रोग्राम के मातहत एक आदमी को बुलाया जाता है और उसके हाथ में बड़ा चटान दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि हमने आप सल्लाम को प्रॉपर उस चबूतरे में बिठाया है जहां से आप ऊपर से फेंकेंगे तो ठीक उनके सर में गिरेगा तो ये लो चट्टान अब चढ़ो ऊपर से सीधे उन पर फेंक दो तो वो साहब चट्टान लेके चढ़ते हैं और करीब है नबी पर फेंकते नबी को वही के जरिए से बता दिया जाता है कि यहां पर ऐसे ऐसे प्रोग्राम हुआ है तो आप वहां पर उठते हैं अपने असहाब को भी कुछ नहीं बताते सीधे निकल के मदीना आ जाते हैं सलम वहां पर असहाब इंतजार करते रहते हैं और बहुत देर के इंतजार के बाद भी निकल के मदीना पहुंचते हैं तो नबी सल्लम से पूछते हैं कि, आप हमें आ तो ने कहा कि मुझे वही के जरिए था वो ऐसा ऐसा प्रोग्राम था वो मुझे कतल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे तो इस लिहाज से बनु नजीर ने मुआहदा तोड़ा ना कि सिर्फ मुआहदा तोड़ा बल्कि नबी साहलम को कतल करने की कोशिश की अब इसकी वजह से बनु नजीर पर चढ़ाई होती है और उन्हें गुलाम बनाया जाता है और उन्हें मदीने से निकाल दिया जाता है ये यहूदियों की तरफ से पहली कोशिश थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए यानी इनके अंदर इतना फितना देखिए हालांकि इन्हें मालूम है अल्लाह ने कुरान में कहा कुरीन किताबल या अरिफुन हुक्मिफुन अबना ये जो अल्लाह की किताब पढ़ते हैं यानी अहले किताब इन्हें मालूम है कि ये नबी हैं अल्लाह के जैसे ये अपने बच्चों को पहचानते हैं वैसे इन्हें ये पहचानते हैं ये अल्लाह के रसूल हैं अल्लाह के नबी हैं वो जानते हैं लेकिन उसके बावजूद इतना फितना इतना खतरनाक इन लोगों का जहन देखिए इनके साथ यही मामला करना चाहिए यही मामला करना चाहिए जो मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ किया उसके बाद बदर की लड़ाई हुई और बदर की लड़ाई में हमने देखा कि ये दार्नदवा में बैठ के जो बड़े बड़े प्रोग्राम बना रहे थे सबके सर तन से जुदा हुए नजर आए बदर के मैदान में सबों को कत्ल कर दिया गया बड़े बड़े सरगनों को तलवार की मार दी गई और उसके बाद इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया ये हमने बदर के वाक्यात में कई मरतबा सुना है जब बदर की लड़ाई हुई तो मक्के में माता हो मातम मचाया मक्का मक्के वाले मुश्रकिन मातम करते हैं कि हमारे पूरे लोग मर गए सर पीटते हैं वावे उठाते हैं गाने गाते हैं शेर पढ़ते हैं शराब पीते हैं पागलों की तरह इनकी हालत हो गई तो उनमें एक साहेब थे जिनका नाम उमेर बिन खलफ अल जुमाही ये साहब के करीबी रिश्तेदार रिश्दारतल कर दिए गए थे ये इतने गमगीन थे इतने गमगीन थे कि खूब शराब पी के टुन होके हरम के दरवाजे में बैठ के बक रहे थे खूब बक रहे थे वहां पर एक और एक मुशरिक जिनका नाम सफवान बिन उमैया ये दोनों मुसलमान हो जाते हैं बाद में सफवान बिन उमैया वहां पर निकल आते हैं उनके भी रिश्तेदार कतल कर दिए गए थे तो उमेर अलजुमाही के बकवास को सुनते हैं तो उमेर से कहते हैं कि रुक जाओ तुम्हें क्या मामला है तो उमेर कहते हैं कि मेरे करीबी रिश्तेदार मार दिए गए और मेरे सर पर ढेर सारा कर्ज है और मेरे बच्चों की देखभाल करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं तो सफवान मिन उया कहता है कि अच्छा तुम्हारे कर्ज की जिम्मेदारी मैं लेता हूं तुम्हारे बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मैं लेता हूं यह काम तुमको करना पड़ेगा तो उमेर कहते हैं कि क्या करना है बताइए तो सफवान तलवार निकालते हैं और तलवार को खूब जहर पिलाया गया था यह हाथ में थमा कर कहते हैं कि तुम जाओ सीधे मदीना यह कहो कि मैं मेरे कैदियों को रिहा कराने आया हूं और तुम्हारी इस बात को मान लिया जाएगा तुम्हें मोहम्मद तक पहुंचने के इम्कान पैदा हो जाएंगे जैसे ही तुम मोहम्मद के करीब पहुंचो उनका सर मार देना यह तुम काम कर लो हो सकता है कि तुम वापस ना आए लेकिन जितना भी कर्ज है तुम्हारे बाल बच्चे सब मेरी जिम्मेदारी है को मैं जैसे मेरे बच्चों को पालता हूं पालूंगा क्योंकि सफवान बिन मालदार आदमी था तो इन दोनों के दरमियान का दरमियान पूरी गुफ्तगु हुई ये पूरी गुफ्तु कोई और नहीं सुनता है उमेर और सफवान के बीच में बातचीत होती है इन दोनों ने इतफाक किया कि दुनिया में किसी और को नहीं बताएंगे बिल्कुल राज में इस बात को रखेंगे और राज ही में इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो जब इन दोनों ने इतफाक किया अब उसके बाद उमेर अल जुमाही तलवार लेके ये बड़ी तेजी से मदीने की तरफ जाते हैं और जैसे ही मदीने में दाखिल हुए सीधे मस्जिद में दाखिल होते हैं और उमर बिन खत्ताब ने जब उमेर जुमहिरी को देखा क्योंकि ये साहेब की अदावत मारूफ थी ये साहब की दुश्मनी सब जानते थे ये कट्टर और निडर दुश्मन था इस्लाम का तो उमर बिन खत्ताब ये साहेब को पकड़ लेते हैं और इस पकड़ के मस्जिद में दाखिल होते हैं बिल्कुल बगल में खड़े हो जाते हैं और जितने भी थे सबसे कहा कि यह आदमी की नीयत मुझे ठीक से नजर नहीं आ रही है सब जाए नबी साम की हिरासत करें तो उमर को पकड़ के ये मस्जिद में दाखिल होते हैं तो नबी साहलम ने उमर को देखा उमर को देखा उमर से कहा कि छोड़ दो उमर बन खतब से कहा कि छोड़ दो इससे दूर हो जाओ ये साहब से हम गुफ्तु करेंगे तो उमेर अलजुमाही ने देखा कि नबी साम ने उन्हें छोड़ने को कहा उसके बाद नबी साहलम पूछते हैं कि उमेर तुम किस लिए आए हो मदीना

तुम्हारे और सफवान के बीच में जो गुफ्तु हुई सफवान ने तुम्हारे कर्जदारी की जिम्मेदारी ली तुम्हारे बाल बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी ली और तुम मौत में खेल कर मेरे पास आए हो मुझे कत्ल करने के लिए तो उमेर जब नबी वसल्लम से तफसील सुनते हैं इनके पैरों तले जमीन निकल जाती है इनका दिलो दिमाग का समा बदल जाता है और फौरन चीख कर कहते हैं कि ये दो बातें सिर्फ मेरे और सफवान के दरमियान हुई जादूगरों को हमने भी देखा है है ना उनके शहर को हमने भी देखा है लेकिन ये जरूर भी जरूर ये खालिक कायनात है जो तुम्हें पैगाम पहुंचा रहा है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसके जरिए से तुम्हें पैगाम पहुंच रही है और थोड़ी देर सोचने के बाद नबी वसल्लम के सामने कलिमे शहादत पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इस्लाम को कबूल करते हैं और सहाबा से कहते हैं कि जाओ इन्हें चंद दिनों तक इन्हें तालीम दो इनके जितने भी कैदी हैं सबको मुफ्त में रिहा कर दो इनके कैदियों को मुफ्त में रिहा कर दिया जाता है ये साहब को बिठा के दो तीन दिन तक तालीम दी जाती है और वहां पर सफवान बिन उमैया जहां कहीं भी मक्के में मुशरकिन मातम मना रहे थे उनके पास जाते जाके कहते कि तुम्हारे मातम अन खत्म हो जाएंगे ऐसी खुशखबरी आने वाली है जहां हमारे दिल में जो भी भड़ास है पूरा भड़ास निकल जाएगा ऐसी खुशखबरी आने वाली है ये कह के लोगों के हलकों में बोलते हुए घूम रहे थे तो तीन दिन के बाद दूर से देखा कि उमर अल जुमाही बड़ी तेजी से आ रहे हैं तो सफवान बिन उमैया बहुत खुश हो गए बड़ी तेजी से जाते हैं खुशखबरी सुनने के लिए वहां पर उमर अल जुमाही इनका चेहरा बदला हुआ है इनका रहन सहन सब कुछ बदला हुआ है इनकी बात करने का अंदाज बदला हुआ है तो उन्होंने सलाम किया बिन बिनोमैया ने कहा कि यह क्या तुम बेदीनों की तरह सलाम कर रहे हो तो कहते हैं कि मैं मुसलमान हो चुका हूं ऐ सोफवान जो गुफ्तगु तुम्हारे और हमारे दरमियान हुई जिसे दुनिया में किसी ने नहीं सुना वो पूरी तफसील मोहम्मद ने बता दी ये हो ना हो ये अल्लाह की तरफ से वही है इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं हमने जादूगरों को ये कहानियों को ये अर्राफों को सबको देखा है कोई ऐसी ठेठ खबर नहीं पहुंचा सकता ये अल्लाह की तरफ से वही है ये इस पर मेरा पूरा यकीन है इसलिए मैं मुसलमान हो गया हूं तो सफवान बिन उमैया शुरू में आज भड़कता है कहता है कि कोई कर्ज नहीं फुला नहीं फुला नहीं उमेर वलजुमा ही कहते हैं कि अब से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं ये कह के आगे बढ़ जाते हैं और मक्के में रह के कई लोगों को ये मुसलमान बनाते हैं तो ये कोशिश थी अजीज साथियों बदर के बाद ये छठी कोशिश थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातिलाना हमला करने की और बात आगे बढ़ाइए खैबर का जमाना आया खैबर की लड़ाई सात हिजरी को हुई और खैबर की लड़ाई एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई थी क्योंकि जितने भी यहूदी मदीने से निकाल दिए गए सब गए खैबर में बंद हो गए ये खैबर मदीना से डेढ़ सौ किलोमीटर दूर पड़ता है ये बड़े बड़े किले इन किलों को फतह करना आसान काम नहीं बड़े सात किले हैं और बड़े ही खतरनाक इनके रास्ते हैं बड़ी आसानी से फतह करना मुमकिन नहीं लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके असहाब ने एक काम कर कर दिखाया कि पूरा खैबर फतह कर दिया अब जब पूरा खैबर खे, फतेह हो गया तो नबी सासलम ने खैबर वाले यहूदियों से कहा कि तुम खैबर में रहो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं ये पूरा इलाका हमारा हो चुका है अब तुम्हें हम ये जमीने बतौर रेंट देते हैं इन जमीनों में तुम काश्तकारी करो जरात करो इसमें जो भी पैदावार होगा पचास फीसद हमारा और पचास फीसद तुम्हारा क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे असहाब नहीं कि ये इतनी बड़ी जमीनों में काश्तकारी करें यहूदी चले जाए तो ये जमीने बेकार रहेंगी तो नबी नबीम ने पूरे यहूदियों को कंट्रोल में लिया और उसके बाद इन जमीनों को अपने कब्जे में लिया और बतौर रेंट यहूदियों को दिया तो जब खैबर में वाकयात हो गए पूरा मामला सुलटा लिया गया तो वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज यहूदियों ने खाने की दावत दी खास तौर पर एक औरत ने खाने की दावत दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप में जब भी दावत को कोई बुलाता है आप चले जाते हैं छोटा से छोटा आदमी क्यों ना हो अगर नबी को एक छोटी सी हड्डी रखकर दावत के लिए बुलाया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दावत में चले जाते हैं यह सुन्नत की तफसील बताने की जरूरत नहीं हम भी यही काम करते हैं ना हम भी दावत दे दी जाए तो बिसमिल्ला माशाला हाजिरी हमारी भी हो जाती है अल्लाह सुबह हमारी दावतों कबूल फरमाए तो नबी वसल्लम को यहाँ पर दावत दी गई तो आप सल्लाह वसलम अपने साथ एक सहाबी को लेते हैं और लेकर सीधे इस यहूदिया के घर में चले जाते हैं अब ये यहूदिया मुसलमानों से पूछती है कि नबी सल्लम कौन सी चीज ज्यादा पसंद से खाते हैं कौन सी चीज ज्यादा पसंदीदा है और आपसे पूछा जाए आप भी कहेंगे कि मटन और पूरा बकरा तो नबी सल्लम के ताल्लुक से बताया गया है कि आप बकरे का गोश्त बड़ी मजे से खाते हैं और खास तौर पर रान का हिस्सा जिसे ज्यादा पसंद से आप शाह खाते हैं तो ये ने ये तफसील ली इसलिए कि खूब ठोस ठोस कर जहर भरे और तौर पर पैर के हिस्से में इसने खूब जहर भरा और नबी वसल्लम की खिदमत में इस बकरे को पेश कर दी तो आप वसल्लम के साथ जो साहब थे ये दोनों दावत खाना शुरू करते हैं आप सलाम एक हिस्सा तोड़ते हैं और अपने मुंह में डालते हैं तो आप सल्लाहस को महसूस हो जाता है कि इसमें कुछ काला है दाल में कुछ काला है और वही के जरिए से बता दिया जाता है कि इसमें जहर मिलाया गया है और आप के बगल में जो साहब बैठे थे उन्होंने तो एक हिस्सा खा लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फेंका फेंक कर कहा कि औरत तुम ऐसा काम क्यों करती हो औरत पूछती है कि मैंने क्या किया कहती है नबी सासम कहते हैं कि इस इस गोश्त ने मुझे बताया कि इसमें जहर है इस गोश्त ने मुझे बताया कि इसमें तुमने जहर डाला है तो यह कहना था वो औरत के आंखें फट जाती हैं और वो डर जाती हैं और उसके बाद नबी साहब पूछते हैं कि का ऐसा काम करने तुम्हें किसने उभारा वो औरत कहती है कि दो बातें हैं अगर तुम बादशाह चाहते हो तुम बादशाह हो तो मैं यह चाहती थी कि जहर दे तुम्हारा मामला खत्म कर दे मर्द तो मर्द औरतों में देखिए कितना फितना है मर्द मर्द यहूदी मर्द औरतों तो में देखिए घरों में जो औरतें बैठती हैं उनके अंदर देखिए कितना खतरनाक इनके जहन है और कैसे कैसे खत्म करने के ताल्लुक से अच्छी तरीके से मालूम रखते हैं तो यहां पर एक औरत कहती है कि अगर तुम बादशाह हो तो हम तुम्हारी परेशानियों से छुटकारा हासिल कर लेंगे अगर तुम नबी हो हमें मालूम है कि तुम्हें खबर पहुंच जाएगी अब तुम्हें खबर पहुंच गई अब हमें यकीन हो गया कि तुम नबी हो लेकिन ईमान तो नहीं लाती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत की बात सुनी और उसने अपनी बात को ठेक अंदा से पेश किया तो नबी वसम खामोशी से वहां से उठ के चले जाते हैं कुछ कहते नहीं लेकिन चंद दिनों बाद ये दो साहबी जो बैठ के खा रहे थे उनकी वफात हो जाती है तो नबी साम इनकी वफात के जुर्म में उस औरत को कत्ल कर देते हैं क्योंकि उस औरत ने इसे कत्ल किया और इस्लाम का कानून किसास का कानून है कतल हो तो कतल कातिल को कतल कर दिया जाएगा तो इसलिए नबी साम ने उस औरत को कतल किया यहां पर इनकी ये सातवीं कोशिश है अजीज साथियों और आखिरी कोशिश आठवीं कोशिश नबी साम की जिंदगी में ज़ात रिका नामी एक मशहूर मारके में हुआ यहां पर अचानक गौरिस नामी एक एक बदू उसका एक मशहूर कबीले से ताल्लुक था वो नबी साम के खीमे में दाखिल होता है और नबी वम की तलवार को उठाकर अब कहता है कि कह, मोहम्मद बताओ अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे मेरे हाथ में नंगी तलवार है अब तुम निहत्ते बैठे हुए हो मैं चाहूं तो तुम्हारे सर में तलवार चला के तुम्हारा मामला खत्म कर सकता हूं

अब चलिए आगे बढ़ते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक के साथ बदसलूकी करने की कैसी कोशिशें हुई मैंने आपको बताया कि इसमें पांच बड़ी कोशिशें हुई वक्त हुआ चाहता है मैं चाहूंगा कि कम अज कम एक आप या फिर दो कोशिशें आपके सामने रख दू बा इंशाल्लाह कल की मजलिस के लिए हम रखते हैं पहली कोशिश अजीज साथियों कोई गैर मुसलमान ने नहीं किया पहली कोशिश करने वाला एक बिल्कुल जालिम बफून किस्म का अललतब बेद बददिमाग एक बादशाह हुआ करता था मिस्र में जो उबैदी नस्ल से उसका ताल्लुक था फातिमिद जीने कहा जाता है ये बादशाह को किसी ने बताया कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म और अबू बकर और उमर रضي अल्लाह उनके जिस्म को लाकर मिस्र में रख लिया जाए तो लोग मक्का मदीना नहीं जाएंगे पूरे लोग मिस्र आएंगे और मिसर क्या इकोनॉमिक डेवलप हो जाएगी और मिसर में लोग ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे और मशहूर हो जाएगा किसी ने पागल किस्म का मशवरा दिया तो ये पहले से बफून किस्म का बादशाह इसने इस मशवरे को कबूल कर लिया अब मुसीबत देखिए कि ऐसे किस्म के लोगों ने भी हुकूमत की ऐसे किस्म के लोग भी हुकूमत किए जहां खैरुद्दीन बरबरोसा जहाँ बड़े जहीन उमर बिन अब्दुल अजीज वलीद बिन अब्दुल मलिक जैसे बड़े बड़े लोगों ने हुकूमत की वहां पर अलटअप बेवकूफ़ लोगों ने भी हुकूमत की है ना अल्लाह अगर चाहे तो क्या होता है गद्दा भी पहलवान हो जाता है है ना यही होता है कभी कभार तो कभी कभार अब तो मिसालें बताने की जरूरत नहीं आप खुद देख रहे हैं है ना आप जिस मुल्क में रहते हैं वहां पर इसी किस्म के लोग हुकूमत करते हैं जिन्हें ना हुकूमत से कोई ताल्लुक है जो ना मालीम उमर को समझते हैं ना लोगों को समझते हैं

आप पूछे, उसे मालूम है कि अगर ये इस पर अमल नहीं करेगा तो इतना जालिम है वो बहुत ही भयानक जालिम आदमी है वो बच्चों को कत्ल करना औरत को कत्ल करना मर्दों को कत्ल करना उसके लिए कोई मौजू नहीं और बड़ा ही मुतासिब किस्म का बदतरीन किस्म का शी इसमाइल अकीदा रखने वाला इसने इसकी बस्ती में हुक्म दिया कि सब अपने अपने घरों के दरवाजों में सहाबा को गालियां लिखें को अगर किसी घर में ये दरवाजा ना हो तो उस घर के वालों को हर कतल करता है, उन्हें करता है उन्हें जलील करता है ये इसका तरीका था। तो बदतरीन का एक बेवूफ कस्म का बादशा था लेकिन इसने बड़ी की। ये अल्लाह का करना था कि अल्लाह नेूबी जैसे अफराद को भेजा जिन्होंने इन गंदगी से इस्लामी ममलकत को पार किया अहमद तो ये साहब का जब हुआ यह जो गवर्नर थे उन्हें मालूम हो गया कि बेकूफाना हुक्म है लेकिन अमल नहीं करेगा तो इसके लिए बहुत ही बदतरीन इसके साथ होगा इसके और इसके खानदान वाले कोई बचेगा नहीं तो अब ये बड़ा मजबूर हुआ और जितने भी मदीने के बड़े बड़े लोग थे ये वाकई सौ तीन सौ हिजली के आसपास का है जो जितने भी बड़े लोग थे सबको जमा करता है और सबों के दरमियान ये मशवरा पेश करता है कि हम यहाँ से ये तीन जिस्मों को लेकर जाना चाहते हैं इसके लिए आपकी आपकी जो है परमिशन की जरूरत है तो सबों ने देखा इस बात को सुना सबों को समझ में नहीं आया कि ये क्या बकवास बक रहा है वहां पर एक कुरान थे उन्होंने उठकर सूर तोबा की चंद आयतों की तिलावत की फी ला ला कौमन, कौमन। और उसके बाद अल्लाह कहता है आयतों का माना यह है कि अगर कोई कौम वाले अपना अहद तोड़ दें और ये दीन के मामला में दीन में कीचड़ उछालने की कोशिश करें आप इन लोगों को कत्ल करें वो हम भी अखराज रसूल वो हम बदलम ए लोगों तुम्हें क्या हो गया जो लोग रसूल को अपने बस्ती से निकालना चाहते हैं क्या तुम लोग उनसे नहीं लड़ोगे ये आयतें थी मुशरकिन के खिलाफ ये साहब ने उस वक्त इन आयतों की जोर से तिलावत की उसमें बाकायदा जिक्र है कि ये लोग रसूल को निकालना चाहते हैं तो इनके खिलाफ तुम लड़ाई लड़ो तो ये कहना था पूरी तलवारें निकल गई फुतूह परेशान हो गया कि भाई ये क्या हो गया लोगों ने मारने के लिए आ गए तो लोगों ने बड़ी मुश्किल से फुतूह को बचा के उसके घर पहुंचा दिया और कहा कि ऐसे बेवकूफ हरकतें मत करो वरना तुम्हारी लाश जाएगी हां कुछ होने वाला नहीं अब उस रात हुआ ये कि जबरदस्त जलसला आया और आंधी आई पूरा मदीना हिल गया और कई लोग वफात पा जाते हैं तो ये फायदा हुआ फतूह को इसने फौरन खत के कहा कि अब यहां पर ये कबर खोद के निकालने की बात नहीं यहां पर सिलसिला आ गया है लोग मरे हैं नाशों को उठाना है यहां पर आप पैसे भेजें दूसरे चीजों को हम बिजी हो गए हैं अब ये काम हो नहीं सकता तो फतूह बाल बाल बचे साहब और साथ साथ ए वाकया ने मसले को हल कर दिया ये इन बेवकूफ़ों के जरिए से पहली कोशिश ये बेवकूफ लोग ये जो उबेदी हैं इनके ग्रुप जिसे करामिता कहा जाता है वो इराक के आसपास इन्होंने हुकूमत की ये लोग हैं जो हजर को चुरा ले गए असवद जो आप देखते हैं अगर आप जाके असवद को छुएंगे तो आपको वहां पर कोई पूरा पत्थर नजर नहीं आएगा पत्थर के आठ टुकड़े हैं जो वहां पर लगा दिए गए हैं आप अंदर हाथ छीएंगे तो आपको मालूम होगा कि आठ टुकड़े हैं जो लगे हुए हैं ये आठ टुकड़े हैं जो बच गए हजर असवद से ये जालिम लोग हजर असवद लेकर गए आपस में लड़ाई की तू रखेगा मैं रखेगा तो ये पत्थर तुट गया तो बाद में जो बादशाह आए उन्होंने इन लोगों को मार भगाया उनके पास से जो पुर्जे बचे वो आपस लेकर लाए और इन्होंने काबे में उसे लगाया जो आज भी आप देख रहे हैं तो ऐसे बेवकूफ किस्म के लोग इसी तरीके से दूसरी कोशिश हुई एक मरतबा यही जालिम बादशाह चंद सालों के बाद इसने दो आदमी को भेजा कहा कि जाओ उधर प्लान बनाओ कि कैसे इन इन जिस्मों को ला सकते हैं तो ये दो आए तो मदीने में कड़क की बिजली हुई और बाज साल ने खाब में देखा कि बेवकूफ किस्म के लोग आए हैं तो बाद में इन्हें पकड़ के भगा दिया गया और तीसरी कोशिश जो बहुत बड़ी कोशिश थी और इस कोशिश के पीछे पूरा यूरोप जुड़ा हुआ है इस कोशिश के पीछे पूरा पोर्चुगी स्पैनिश पूरी ताकत जमी हुई है ये लोग कैसे समंदर पार करके आप वसल्लम जिद्दा पहुंच जाते हैं और मदीने के करीब पहुंच जाते हैं और वहां से इन्हें कैसे मारकर भगाया जाता है और वो कौन सी कौन सी पर्सनालिटीज थी जो इन मैटर्स में इन्वॉल्व होके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की हिफाजत करती हैं अहमद अल गाजी कौन है सलाहुद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन जंकी का क्या रोल रहा और बकिया ये तीन खतरनाक कोशिशें हुई उसकी तफसील क्या है इनशाला हम ये कल की मजलिस के लिए रखते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमने जो भी कहा है जो भी सुना है उसके मुताबिक अमल करने की तोहफी बख्शे सुबह वनसली मौजू के मुतल कोई सवाल है तो कर सकते हैं हाँ hmm? नहीं ये जो वाकयात हैं ये सही अहादीस से साबित है तो सही अहादीस में आ, वही के जरिए से नबी वसल्लम को बातें बताई जाती थी अब जो भी वही है वो कुरान में होना जरूरी नहीं वही के जरिए से बहुत सारी बातें बताई जाती और नबी वसल्लम को मालूम होता कि ये कुरान का हिस्सा है ये कुरान का हिस्सा नहीं है जो भी नबी वसल्लम को बताया जाता वो सब अल्लाह ही की तरफ से सब वही ही है लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है कि कौन सा कुरान का हिस्सा है कौन सा कुरान का हिस्सा नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें ये भी वही हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादी ये भी वही हैं लेकिन ये अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं अगरचे के माने अल्लाह की तरफ से हैं अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं अब कुरान में ओ जो उसके ताल्लुक जो वही है वहां के अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से है तो नबी को मालूम होता है कि कौन सा कुरान में डालें और कौन सा कुरान नहीं होता जबकि दोनों अल्लाह की तरफ से वही होते हैं जी अजीज साथियों इससे पहले कि हम अपनी निशुस्त खत्म करें मैं एक अहम ऐलान आपके सामने करना चाहता हूं अजीज साथियों आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले कई सालों से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं अल्लाह के फजल करम से पहले ज़मीन खरीदने का मामला था तो लगभग सात करोड़ के आसपास अल्लाह की तरफ से मदद हुई और आप लोगों ने ताउन किया भरपूर ताउन किया जिसकी वजह से हमने उस जमीन को खरीदा लेकिन बाद में ये पैंडामिक के मसले आए तो ये प्रोजेक्ट रुक गया हमने बनना शुरू नहीं किया और साथ साथ गवर्नमेंट के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने थे इसमें हमने काफ़ी वक्त लिया और उसके बाद एक साल के पहले लगभग हमने बंधन शुरू किया अब जानते हैं कि अलहमदिल्ला हमने इसके दो फ्लोर्स बन लिए और बक़ै दो फ्लोर्स बनने हैं और इसके कलेक्शन के आसानी के लिए हमने इस पूरे बंधन को मुसल्लों में कन्वर्ट किया है लगभग 1800 हज़ार आठ की जरूरत है उसमें हमने 800 सौ मसले जमा कर लिए हैं काम जारी है बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है बकिया 1000 हज़ार मुसलों की जरूरत है एक मसल की कीमत चौबीस हज़ार रुपये है इस एतबार से दो करा दो करोड़ चालीस लाख की मजीद ज़रूरत है इन शाह ये जरूरत बड़ी आसानी से पूरी हो जाएगी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है एक सौ एक फ़ीसद उम्मीद है कि ये काम ख़त्म हो जाएगा लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप दुआ करें इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए भरपूर दुआ करें अल्लाह सुबहान तला आप ही की दुआओं से यहाँ तक पहुँचाया है और इन शाला आप ही की दुआ से ये प्रोजेक्ट तकमील को पहुँचेगा इन शाह तो आप भरपूर दुआ करें और आपसे जो भी मुमकिन हो आपसे जो भी मुमकिन हो आप इसे लेकर ताउन करें अल्लाह की इजात से दुआ है कि रमज़ान की इस मुबारक रात में हम दुआ करते हैं कि जो भी ताउन करेंला व तआला उनके तमाम मसाइल को आसान करें अल्लाह सुबहान तआला उनके घरेलू मसाइल को आसान करें अल्लाह व तआला उनके तिजारत के मसाइल को आसान करें करेंला सुबहान तआला उनके सेहत के मसाइल को आसान करें करेंला सुबहान तआला उनके अंदर जो भी गम व फिक्र परेशानी है उन तमाम चीज़ों को अल्लाह सुबहान तआला दूर करें अल्लाह सुबहान तआला उनके औलाद को नेक सालह बनाए ऐसे लोग बनाए जिनका जिक्र हम सुनते आ रहे हैं खैरुद्दीन बरब जैसे बनाए कमाल रईस जैसे बनाए और यूसुफ रईस जैसे बनाए ऐसे बड़े बड़े अफराद बनाए अजीज़ साथियों एक नेकी होती है जो इंसान की जिंदगी को बदल देती है तो मैं अल्लाह की ज़ात से ये दुआएं करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ अगर आपके अंदर कोई सजेशन है जो आप देना चाहते हैं अगर आपके पास कुछ आइडिया है जो हमसे शेयर करना चाहते हैं जो भी बात आपके दिल में इस प्रोजेक्ट को लेकर हमारे इस मरकज को लेकर है तो आप जरूर हमसे शेयर करें और हमें बताएं हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं और जो भी इन कामों में हमारा साथ देना चाहें मेंबर बनना चाहें हमसे काम में जुड़ना चाहें उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं बल्कि ऐसे लोगों का हम इस्तेकबाल करते हैं भूल भी जाकर इस्तेकबाल करते हैं ऐसे रोशन जहनों की जरूरत है अल्लाह सुबहाना तआला हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए हाजा व तोफिक अला नबीना मोहम्मद व वबी अजमी सवाल एक कर रहे हैं कि रमज़ान का महीना आया बड़े शैतानों को बंद कर दिया गया उन्हें चैन कर दिया गया लेकिन बाज ऐसे शैतान हैं जो छोटे छोटे हैं लेकिन जमा होकर इनकी बड़ी तदाद हो गई है तो अल्लाह सुबहाना तआला इन लोगों के इन फालतू कामों से हमें बचाए रमजान का महीना है मुबारक महीना है हर कीमती है किसे मालूम कि आइंदा साल आप रहेंगे कितने लोगों को हमने देखा है कि रमजान से एक दिन पहले वफात पा गए रमजान से एक दिन पहले वफात पा गए अगर उन्हें रमजान का एक दिन भी मिल जाता दो रातें भी मिल जाती तो उनका बेड़ा पार हो जाता कितनी नेकियां लेकर अपने साथ जाते इतना जबरदस्त महीना कुरान का महीना जिक्र अजगार का महीना पूरी उम्मत अल्लाह के तरफ लो लगाए बैठी है इनके दरमियान पागल किस्म के लोग हैं जो आईपीएल के नाम से इन खेलों को तरवीज दे रहे हैं अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी तदाद इन्वॉल्व है वो इन खेलों को इन मुबारक रातों में देखती है चार चार पांच पांच घंटे इन खेलों को देखते हैं पता नहीं उसके सामने क्या दिखाया जाता है और ये मुबारक रातें जाया हो जाती हैं इन्हें उस वक्त मालूम होगा जब ये दुनिया से रुखसत होकर अल्लाह के सामने खड़े होंगे उस वक्त इन्हें नेकी की जरूरत पड़ेगी वहां पर जहन्नम को पेश किया जाएगा जिसे सत्तर हजार फरिश्ते सत्तर हजार लगामों में खींच कर लाकर खड़ा करेंगे और जहन्नम झिंगाड़ेगी अल्लाह से कहेगी कि अल्लाह मेरे पेट को भरने का तेरा वादा था अल्लाह मेरे पेट को भर दे और जहन्नम में लोगों को उठा उठा कर फेंका जाएगा और जहन्नम इन्हें खाती जाएगी

उस वक्त अगर कोई आदमी कामयाब होना चाहे ये उसके नेकियां होंगी जी जिस साथियों जिसे उसने दुनिया में कमाया है क्यामत के दिन इंसाफ होगा और अल्लाह का रहम करम होगा और अल्लाह सुबहाना तआला बंदों के आमाल के मुताबिक उनसे मामला करेगा और रमजान का महीना आया आपको नेकियों को होलसेल में दिया गया और आपने इस कीमती वक्त को बर्बाद किया ऐसे खेलों के सामने जिसमें हर किस्म की बुराई इन्वॉल्व है जिसमें रिश्वत इन्वॉल्व है जिसमें गैमलिंग इन्वॉल्व है हर बुराई इसके अंदर इन्वॉल्व है इन चीजों को देखकर पता नहीं क्या कुछ इन्हें मिलने वाला है अल्लाह सुबहान तला हमारी इस उम्मत की हालत को दुरुस्त करें अगर कोई दूसरे लोग करते हैं तो कोई मसला नहीं लेकिन हमारे मुसलमान इस चीज के पीछे पड़े हुए हैं इसे देखकर इसे फायदा उठाते हैं नरोज बिल्ला अल्लाह सुबहान तला इनके हालात को दुरुस्त करें यह बहुत ही बदतरीन सलूक है रमजान के साथ और रमजान के साथ ऐसी सुलूक करने का हल इसका रिजल्ट आपको मालूम है रिजल्ट ये है कि उस आदमी पर अल्लाह अल्लाह की की लानत होती की लानत होती होती है है तो रमजान का महीना है अल्लाह के लिए पासों लिहाज करें इस महीने में अल्लाह के होकर रहे यह खेल तो खेलना ही पूरी जिंदगी ये खेल तो करना ही है। खेल के लिए तो दूसरे अवकात मौजूद है साल के ग्यारह महीने पड़े हुए हैं कोई भी वक्त आदमी खेल सकता है कोई भी वक्त आदमी एंटरटेन कर सकता है लेकिन इस मुबारक महीने में अल्लाह के लिए इसे काम ना करें अल्लाह के लिए इसे भरपूर फायदा उठाएं, अल्लाह सुबहन हमारी हालतों को दुरुस्त करे आमीन अरबी सुबह